वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 15 में आपका स्वागत है। आज हम कोई सम नहीं करने वाले हैं। इस पार्ट 15 में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो कोई भी एपी होती है और आपको उस एपी का सम ढूंढने के लिए बोला जाए, वो भी एकदम तुरंत इंस्टेंट आपको सम ढूंढने के लिए बोला जाए, चाहे वो एपी कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, कितने भी डिफिकल्ट हो, उसमें पॉइंट वाले नंबर्स हो, कुछ भी हो, आपको अगर उस पूरे एपी का विद इन अ मिनट आपको उस एपी का सम निकालना हो या उसका ऐड करना हो, आप एपी को ऐड करना चाहते हो, तो ये क्या करना है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कि कैसे आप एपी को सम कर सकते हो, क्या कैसे आप एपी को आपस में ऐड कर सकते हो। तो हम इस वीडियो के अंदर उस चीज की बात करेंगे। पहले तो मैं बता दूं आपको, रिलेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि कोई भी एपी होती है तो उसका फर्स्ट टर्म ए से दिखाते हैं, सेकंड टर्म ए टू से, थर्ड टर्म ए थ्री से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस डी होता है। यहाँ पे थ्री है तो ए प्लस टू डी हो जाएगा, यहाँ पे फोर है तो ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ए एन है तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ये आपको मालूम है। और लास्ट टर्म को हम एल से दिखाते थे और एल को कभी कभी ए एन भी बोलते थे, आपने देखा भी होगा पार्ट 15 तक के सारे वीडियोज में। ये ए एन को हम एल भी बोलते हैं, एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, और उस एल का फॉर्मूला भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये हम भली बातें जानते हैं। अभी हम बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म, मतलब अगर आपको कोई सीरीज दी हुई है और उस सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं, पता नहीं कितने टर्म्स हो सकते हैं, जितने भी टर्म्स होंगे उनका आपको प्लस करना हो, ऐड करना हो, तो कैसे कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। एक फॉर्मूला है मगर हमने उसको सिंप्लीफाई करके तीन फॉर्मूले बनाए हैं। फिलहाल सारे के सारे फॉर्मूले एक ही हैं, मैंने उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके मैंने तीन फॉर्म्स बनाए हैं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में आप तीनों में से एक भी फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, राइट। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है एस ऑफ एन, मतलब सम ऑफ nth टर्म, एपी का पूरा सम, सम ऑफ nth टर्म। अब यहाँ पे चलो कोई एपी जा रही है, करीबन उस एपी के अंदर 100 टर्म्स हैं, बट मुझे सिर्फ उस एपी के पहले 50 टर्म का ही सम करना है, तो मैं यहाँ पे 50 रखूंगा, राइट। और यहाँ पे भी मैं क्या रखूंगा, 50, और यहाँ पे भी मैं क्या रखूंगा, 50। मतलब आप चाहो उतने टर्म का आप ऐड कर सकते हो, एंड की वैल्यूज चेंज करने पे आपको उतने नंबर तक का सम मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, ये आपका लास्ट टर्म है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए एन हो गया, तो a प्लस ए एन, ठीक है, ये हो गया s ऑफ n इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। और मैं ए एन को देखो, यहाँ पे मैंने ए एन को l से दिखाया था, तो देखो मैंने इस ए एन को मैंने यहाँ पे l लिख दिया, तो देखो फॉर्मूला वापस चेंज हो गया, a प्लस एल एन बाई टू इज इक्वल टू एस एन। मैं आपको कैसे ये सॉल्व करना है, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ कि कैसे आप सम कर सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पूरी सीरीज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल मेरे पास n इज इक्वल टू कितने टर्म्स हैं, 10 है, जिसमें मेरा लास्ट टर्म है वो 10 है, और फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 है, और 1 में ऐड किया तो 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया तो 3 मिला, मतलब कॉमन डिफरेंस भी 1 है, राइट। अब मुझे इस पूरे एपी का सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा s ऑफ n इज इक्वल टू n बाय 2, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा कि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों आते हैं। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म 1 था और लास्ट टर्म मेरा 10 था, राइट। अब s ऑफ, देखो मैंने कितने सम का टर्म किया, कितने टर्म का सम किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 10 टर्म तक का सम करना है, तो मैं s n इज इक्वल टू 10 रख लेता हूं, तो यहां पे भी मुझे 10 रखना होगा, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, राइट, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 11। अब s ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 5 जा हो गया, ये 11 हो गया, इज इक्वल टू 55। आप देख लीजिए, आप इनका सम करोगे, कैलसी में आप ऐड करके देख लीजिए, तो इन सबका सम आपको 55 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप किसी भी एपी का सम इस फॉर्मूले से कर सकते हो। बस
ये ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी फॉर्मूले से हमने दो डेरिवेटिव्स बनाए हैं इसके। फिलहाल ये फॉर्मूले के हिस्से ही हैं, मगर हम अलग अलग कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें ढूंढना है उसके हिसाब से हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 16 में कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।